सलमान खान सावधान, सलमान खान तुम्हारा हाल मुंह से वाला जैसा कर देंगे। एक गुमनाम खत ने मुंबई पुलिस की नींद हराम कर दी। सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिली है। धमकी वाला खत समंदर किनारे उस जगह बेंच पर मिला जिस पर सलीम खान रोज मॉर्निंग वॉक के बाद बैठते थे। खत पर जीबी और एलबी लिखा है। जीबी का मतलब कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से लगाया जा रहा है, जबकि एलबी का मतलब अभी सिर्फ एक है, अपराध की दुनिया का कुख्यात सरगना लॉरेंस बिश्नोई। इस खत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लॉरेंस पहले भी पब्लिकली बोल चुका था कि वो सलमान की जान लेकर रहेगा। लॉरेंस ने बेंगलोर के एक शूटर को लगाया भी था, लेकिन तब साजिश नाकाम रही। लेकिन अब मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाह लॉरेंस पर टिक गई है। मूसेवाला के मर्डर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि लॉरेंस किस शातिर तरीके से प्लानिंग करता है। ऐसे मुंबई पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने धमकी मिलने के बाद एक्शन लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम सोमवार को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमिनेंट में सलीम खान के गार्ड को यह खत उस जगह मिला था जहां सलीम मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। अब सलमान के साथ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, साथ ही मुंबई पुलिस के जवान भी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास पुलिस की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी, ताकि कोई भी गिरोह किसी किस्म की हरकत ना कर सके। फिलहाल सलमान आईफा अवार्ड्स के सिलसिले में दुबई में है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। सलमान खान सावधान, सलमान खान तुम्हारा हाल मुंह से वाला जैसा कर देंगे। एक गुमनाम खत ने मुंबई पुलिस की नींद हराम कर दी। सुपरस्टार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिली है। धमकी वाला खत समंदर किनारे उस जगह बेंच पर मिला जिस पर सलीम खान रोज मॉर्निंग वॉक के बाद बैठते थे। खत पर जीबी और एलबी लिखा है। जीबी का मतलब कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से लगाया जा रहा है, जबकि एलबी का मतलब अभी सिर्फ एक है, अपराध की दुनिया का कुख्यात सरगना लॉरेंस बिश्नोई। इस खत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि लॉरेंस पहले भी पब्लिकली बोल चुका था कि वो सलमान की जान लेकर रहेगा। लॉरेंस ने बेंगलोर के एक शूटर को लगाया भी था, लेकिन तब साजिश नाकाम रही। लेकिन अब मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाह लॉरेंस पर टिक गई है। मूसेवाला के मर्डर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, वो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि लॉरेंस किस शातिर तरीके से प्लानिंग करता है। ऐसे मुंबई पुलिस किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकती। एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने धमकी मिलने के बाद एक्शन लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम सोमवार को सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंची। इस मामले में बांद्रा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की है। बांद्रा के बैंड स्टैंड प्रोमिनेंट में सलीम खान के गार्ड को यह खत उस जगह मिला था जहां सलीम मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। अब सलमान के साथ उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, साथ ही मुंबई पुलिस के जवान भी। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास पुलिस की टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी, ताकि कोई भी गिरोह किसी किस्म की हरकत ना कर सके। फिलहाल सलमान आईफा अवार्ड्स के सिलसिले में दुबई में है। टाइम 8 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।